measurement of seasonal variation. Measurement of seasonal variation. There are four methods to find out the seasonal variation in uske smoothing ke liye. First method is simple average method. इसमें देखो हर एक क्वार्टर में उस सीजन का इन्फ्लुएंस होता है, उस क्वार्टर में जो भी सीजन आती है उसका इन्फ्लुएंस होता है. तो सिंपल एवरेज मेथड में हर एक सीजन की एक एवरेज निकाली जाती है जिससे जो इन्फ्लुएंस जो है वो रिमूव हो जाता है, सिंपल एवरेज मेथड. सेकंड मेथड इस वीकेंड से रेशियो टू ट्रेंड मेथड. Third method which is used is ratio to moving average method. The last method, fourth method, is link relative method, which was also there in index number, link relative method. There are four methods to find out the seasonal variation. Seasonal variation को जानने के लिए ये चार methods है. So these are the theories जो time series में आता है. Time series में थोड़े बहुत examples देख ले हम कि जैसे हमने चार component देखे थे, secular trend, seasonal trend, seasonal variation, cyclical variation and irregular variation or random variation. तो उनके एग्जांपल्स देखें. लेट मी अज्यूम फर्स्ट एग्जांपल द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रियल एस्टेट. तो वो कैसा है, दिस रियल एस्टेट में जो इंक्रीज हुआ ना, इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम. तो लॉन्ग टाइम में जो होता है इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज नोन एज सेक्युलर ट्रेंड. फिर अपन दूसरा एग्जाम्पल ले कि द एरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी. तो ये जो एरा है, कोई भी एरा है, प्रॉस्पेरिटी का, बूम का, रिसेशन का, डिप्रेशन का, ये सभी जो है इट इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिकल वेरिएशन. फिर अपन तीसरा एक एग्जांपल ले कि डिमांड ऑफ स्टेशनरीज ड्यूरिंग मई जून, दैट इज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ डिफरेंट स्कूल्स, और ये सीजनल वेरिएशन का अफेक्ट है. एक और एग्जाम्पल ले लें अपन के